हेलो एवरीवन आई वेलकम टू ऑल एडी एक्सप्लेन मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एडी एक्सप्लेन पर आज हम बात करेंगे द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के बारे में जहां पे मनमोहन सिंह जी के द्वारा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर जनरल भी थे उनके द्वारा कुछ स्टेप बताए गए हैं जिसके द्वारा हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं या इंडियन इकोनॉमी को अगेन ग्रोथ में ला सकते हैं सो लेट्स बिगिन टॉक विथ बीबीसी बीबीसी से बात करते हुए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और करेंट कांग्रेस लीडर मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा हम देख लेते हैं मनमोहन सिंह जी ने पहले कहा कि इंडियन इकोनॉमी जो है करंटली स्लो डाउन के फेज से गुजर रही है और कंट्री में बहुत बड़ा ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस आ खड़ा हुआ है यदि हम बात करें इंडिया की पॉपुलेशन की तो वो लगभग 135 करोड़ के आसपास है ठीक है और इसमें क्या होता है ज्यादातर जो पीपल होते हैं लोग होते हैं वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और वन स्टेट टू State for अपने लाइवलीड को सॉकडाउन की पोजिशन पैंडेमिक की वजह से जो कंट्री है वो कम्पलीटली फट डाउन है या लॉकडाउन की फेज से गुजर रही है जिसके कारण बहुत से लोगों का रोजगार बंद हुआ है और लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ जा पा रहे हैं और जो फैक्ट्रिया है वो भी क्लोज है कंप्लीटली फट डाउन है और जो इंडस्ट्रीज है वो भी बंद है जिसके कारण लोगों के हाथ में पैसा नहीं है और ये लोगों के हाथ में पैसा नहीं है और लोग और लोग अपनी लाइवलीहुड को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं जो उनकी नीड है या जो जरूरत है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दे डोंट हैव वर्क एंड विदाउट वर्क नो वन पे हिम और हर सो इट्स अ ट्रमेंडस पेन फॉर पीपल आगे यदि हम एग्जैक्ट वर्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उन्होंने क्या कहा है आगे देख लो सबसे पहले उन्होंने बताया कि स्लो डाउन जो है ये कुछ समय के लिए नहीं है ये स्लो डाउन जो है इकोनॉमी वाला है और, और प्राइम मिनिस्टर ने थ्री दिए इंडिया गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो करंट मोदी है या इंडिया गवर्नमेंट है उनको थ्री स्टेप दिए जिसके माध्यम से वो इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से हमारी इकोनॉमी को या इंडियन इकोनमी को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है बहुत ज्यादा हार्म हुआ है ठीक है रिवाइव करने के लिए थ्री स्टेप देख लेते हैं आगे हम की हम बात करें तो पहले उन्होंने बोला है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने डायरेक्ट कैश असिस्टेंस की बात की जो एनडीए गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर की भी बात की जा रही है जिसमें वेमेंस के अकाउंट में

जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, वो लोगों को फायर बैक ना करें गवर्नमेंट को इसके लिए इंश्योर करना चाहिए आगे मनमोहन सिंह जी ने बोला है कि गवर्नमेंट को बैग्ड करना चाहिए क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम के माध्यम से आगे उन्होंने कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है थ्रू इंस्टीट्यूशनल अटोनमी एंड प्रोसेस मतलब कि जो इंस्टीट्यूशन है लाइक आर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इनको ऑटोनमी देनी चाहिए जिससे कि अपना काम सेल्फ तरीके से अपने से कर सके उसमें किसी भी तरह का गवर्नमेंट का इंटरवेंशन या हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मर पीएम आगे उन्होंने बात डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात करते हुए मनमोहन सिंह जी ने कहा कि इंडिया को ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या इंडिया गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा बोरोइंग करनी चाहिए बोरोइंग का मतलब होता है उधार लेना चाहिए मतलब की यदि इंडियन गवर्नमेंट के पास करंटली कैपिटल या फंड की कमी है पैसे की कमी है तो इंडिया जैसे वर्ल्ड बैंक है आई है या एशियन डेवलपमेंट बैंक है इन सबसे बोरो कर सकता है मनी को उधार ले सकता है मनी को उधार लेने से एक प्रॉब्लम होगी कि इंक्रीज इंडिया डेप टू जीडीपी जो इंडिया डेप टू जीडीपी रेशियो है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा पर इसकी वजह से बोरोइंग करने की वजह से इंडियन इकोनॉमी जो है वो लाइन पर आ सकती है या ग्रोथ प्रिडिक्ट कर सकती है ग्रोथ दिखा सकती है और इसके बाद उन्होंने बोला कि यदि बोरोइंग करती है इंडियन इकोनॉमी बोरो करती है मनी को तो वो सही जगह पे यूज करना चाहिए जैसे कि लोगों की लाइफ को सेव करना और उसके अलावा बॉर्डर्स को स्टोर लाइवलीहुड रिस्टोर लाइवलीहुड एंड बूस्ट इंडियन इकोनॉमी देन इट्स वर्थ इट जब इन सभी जगहों पर बोरोइंग मनी का यूज किया जाएगा तभी इसका वर्थ होगा आगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया उसको देख लेते हैं साय ऑफ बोरोइंग बट वी मस्ट बी प्रोडेंट ऑन हाउ वी यूज दैट बोरोइंग इसका मतलब ये है कि हमें बोरोइंग करने से या पैसा उधार लेने से मनी उधार लेने से हमें साय नहीं होना चाहिए पर यदि हम मनी उधार लेते हैं पैसा उधार लेते हैं तो हमें उसको ये मस्ट इंश्योर करना चाहिए कि हम उसको सही तरीके से और सही जगह पे यूज करें मनमोहन सिंह वार्न इंडिया यदि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उन्होंने इंडिया को वार्न भी किया है क्योंकि इंडिया की कुछ पॉलिसी है और कुछ अदर नेशन है जो कि क्या कर रहे हैं प्रोटेक्टनिस्ट पॉलिसी को अपना रहे हैं और मनमोहन सिंह जी ने क्लियरली बोला है कि इंडिया को इस तरह की कोई भी पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि यदि हम बिफोर एल पी रिफॉर्म की बात करें बिफोर नाइन्टी तो इंडिया की जो इकोनॉमी है आप देख सकते हैं बहुत ही कम थी बट नाइनटी

करंटली डाउन है वो डिप्रेशन का नाम नहीं देना चाहिए चाहते स्लो डाउन की बात करें तो एक यदि लगातार कर, मतलब कंट्री में यदि कंट्री में जीडीपी ग्रोथ कम देखी जाती है तो उसको हम स्लो डाउन का नाम देते हैं और यदि कंट्री uh, में जीडीपी ग्रोथ माइनस में चली जाती है तो इसको हम डिप्रेशन देते हैं पर यदि हम प्रेजेंट में देखें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो प्रिडिक्शन किए जा रहे हैं उनके द्वारा ये लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है डिप्रेशन की तरफ बढ़ रही है स्ट्रगलिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो कोरोना वायरस या कोविड नाइन्टीन वायरस के आने से पहले भी इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रोथ शो नहीं कर रही थी यदि जीडीपी की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में तो लगभग 4.2 परसेंट था जो कि लगभग एक साल में सबसे कम था और 10 साल

फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं हाउ टू इकोनॉमीज में परफॉर्म ये आईएमएफ के द्वारा डाटा रिवील किया गया है डाटा बताया जा रहा है जिसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है माइनस थ्री माइनस थ्री पॉइंट परसेंटेज से ग्रो करेगी यूएस की इकोनॉमी की बात करें माइनस फाइव यूरोपियन यूनियन देख सकते हैं पहले इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आई के द्वारा जो बोला गया था वन और लेटर इसको कम कर दिया गया था इस डेटा को चाइना की हम बात करें वर्ल्ड में केवल चाइना की इकोनॉमी है जो प्लस पॉइंट से ग्रो करेगी और करेंटली देखें चाइना की इकोनॉमी थ्री की

के द्वारा जो, डाटा जो की कम्पलीटली इंडिकेट करें इंडिया की इकोनॉमी डिप्रेशन या रिलेक्सेशन की तरफ बढ़ रही है थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेक्सर टू सब्सक्राइबीन एंड प्रेस दिन